गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर सुबह का टाइम था, सुबह 10 बजे या 10:30 बजे ये लोग आ जाते हैं काम करने के लिए, मतलब कारपेंटर वगैरह और पेंटर ये सब आ जाते हैं। तो एक्चुअली अभी तो POP का काम नहीं चल रहा है, इसी वजह से पेंटर और कारपेंटर ही आ रहे हैं। तो कारपेंटर का काम भी ख़त्म ही होने वाला है, तो कारपेंटर का काम मैं आपको जो कुछ हो रहा है यहाँ पर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर एक्चुअली ये जो पल्ला है, मतलब आगे का जो पल्ला है वो निकाला है उन्होंने, और जो मेन डोर है हमारा, मेन डोर मीन्स जहाँ से हम लोग घर के अंदर एंट्री करते हैं, तो वो जो डोर है वो सिंगल पल्ले का था। तो वो सिंगल पल्ला कुछ सिंपल सा हमने रखा था वो, तो इसी वजह से अभी वो हमें थोड़ा सा डिज़ाइनर बनाना, तो उसे हमें डबल डोर में अभी कन्वर्ट करना है। तो इसी वजह से उन्होंने वो निकाला है, उसको डबल डोर में कन्वर्ट करेंगे। उसके ऊपर अलग से चारकोल शीट लगाएंगे, जो माइका है वो डिज़ाइनर माइका लिया है हमने, वो अलग से लगवाएंगे उसमें। और उसके बाद मैं आपको अंदर का दिखा देती हूँ। तो अंदर का जो TV यूनिट है कुछ इस तरह से बनाया है, ऊपर के पल्ले लगाना बाकी है, मतलब उसके बना के रखे हैं उन्होंने, बट वो लगाना बाकी है, उसको इंजेस वगैरह लगाना बाकी है। तो वो लगा देंगे, तब आपको वो फाइनल लुक दिखा दूँगी। और ये जो चारकोल शीट है वो मेन डोर को लगने वाली है, जो पल्ला उन्होंने निकाला है डबल डोर का बनाने वाला है, उसको ये चारकोल शीट लगने वाली है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये चारकोल शीट हमने लिए, और लगने के बाद ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार पल्ला, आप बाद में देख ही लेना। तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, जो कुछ आज हुआ है काम वो पूरा दिखाऊंगी। आप ही लोग बोल रहे हो कि डेली जो काम हुआ है वो दिखाया करो, इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपको डेली थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो बट काम दिखा दिया करूंगी मैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो तीन वो थे, क्या बोलते हैं, लव बर्ड्स, बट उसमें से एक ही रह गया है, क्योंकि अद्विक ने ना काम के चलते, मेरा ना इतना ध्यान नहीं रहता था उसके ऊपर, तो वो क्या करता था उसका डोर उठा के उनको उड़ा देता था। तो ऐसे दो उड़ गए हैं, अभी एक ही रह गया है। पहले हमने दो लाए थे, उसके बाद हम उसमें से एक मर गया था, तो उसके बाद हम लोगों ने और दो लाए, तो उसमें से भी दो उड़ा दिए उसने, जो पहले का था उसमें से एक रह गया था वही है अभी बाकी। तो यहाँ पर वो चारकोल शीट तो आपने देख ही लिए है, और ये जो पैनलिंग किया था वो भी उन्होंने कवर करके रखा है, वो पेंटर ने कवर किया है, वो कारपेंटर ने नहीं किया है। कारपेंटर का काम इतना हुआ है, इसको भी नॉब वगैरह लगाने बाकी है, और उसके बाद इसको ना थोड़ा सा वो अंडरग्राउंड कर दिया है, उसकी फिटिंग वगैरह सब कुछ। और यहाँ पर वॉशिंग मशीन रहेगी साइड में, और ये इसमें भी थोड़ा सा ग्लास वास लगाना बाकी है, तो वो आपको बाद में दिखा दूँगी। ग्लास भी लाना बाकी है, ग्लास तो बन के रेडी है, बट यहाँ पर ना पेंटर का काम ही नहीं हुआ है, तो पेंटिंग का जब काम हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा पेंट वगैरह लग जाएगा, उसके बाद हम लोग ग्लास लाएंगे और ग्लास फिर इसे फिट करेंगे। यहाँ पर भी टेबल टॉप पे फिट करना है ग्लास, और इसके बाद ये मंदिर पे भी ग्लास फिट करना है। तो मंदिर का भी जो ये है अमाउंट, मतलब जो खर्चा आया है वो भी आपको, मतलब आप पूछ रहे थे मंदिर को कितना खर्चा लगा है, तो वो भी मैं आपको एक वीडियो में पूरा खर्चा बता दूंगी कि कौन सा खर्चा, कितना खर्चा, किस चीज़ के लिए लगा है। तो उसका वेट करना, बजट का वीडियो जल्दी ही आएगा, मतलब जब ये सारा ख़त्म हो जाएगा मैं बजट का वीडियो एक बार बना दूंगी आपके लिए, मतलब आपको अंदाज़ा लग जाए कि आप अगर घर का ये करवाने वाले हो, क्या बोलते हैं, रिनोवेशन वगैरह करवाने वाले हो, या आपका घर नया बन रहा है, या आप कुछ करवाने वाले हो घर में, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये मंदिर ना ढक के रखा है, और क्योंकि धूल वगैरह जाती है अंदर, धूल वैसे भी जा रही है, क्या कर सकते हैं अभी, तो इतना तो करना ही पड़ेगा यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करें। और ये यहाँ पर सारा स्टोर रूम का नज़ारा देख लीजिए, ये यहाँ पर पैक करके रखा है, ये दिया मैंने इधर उठा के लाया है क्योंकि कोई फोड़ ना दे, इसी वजह से उसका ग्लास का है वो, इसीलिए। और ये भी पूरा सबसे लास्ट में ये ना मैं क्या करूँगी, इसकी पॉलिथीन वगैरह निकाल के देंगे वो कारपेंटर, और उसके बाद वो पोछ के वगैरह देंगे। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पर मेरे कुछ बर्तन थे, तो कैसा है जब वो लोग आ जाते हैं ना, कुछ बर्तन वगैरह रह जाते हैं तो वो मैं वैसे ही रहने देती हूँ, फिर बाद में वो लोग जाते हैं तब मैं सारा कुछ क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना रोटी का चूड़ा बनाया था, और बहुत सारी रोटियाँ बची थी, रात को किसी ने खाना नहीं खाया था, तो फिर बहुत सारी रोटियाँ बची थी, तो ये बोल रहे थे कि कुछ भी खाना मत बनाओ, ये रोटी का चूड़ा बना दो और उसके साथ मट्ठा बना देना, बहुत टेस्टी लगता है। तो इसी वजह से फिर हम लोगों ने ना वही खाया, और बच्चों के लिए दाल चावल बना दिए थे मैंने। तो ये है किचन का अभी का नज़ारा, और ये देख लीजिए आप यहाँ पर कितनी धूल है, और मैं उधर जाके दिखाती हूँ आपको। एक्चुअली ना उधर थोड़ा सा आज बेडरूम का जो पेंट होने वाला है वो करने वाला है वो लोग, तो बेडरूम का पेंट के लिए ये जो टेक्सचर उन्होंने बना के रखा है उसकी घसाई होने वाली है, ये भैया घसाई कर रहे हैं उसकी,
वही भैया उसे प्राइमर मारेंगे, उसके बाद वही उसे पेंट करेंगे। एक्चुअली ना पेंट थोड़ा सा चेंज हो गया, इतनी गड़बड़ हो गई है यार आज। मतलब हमने पेंट दूसरा डिसाइड किया था और ये ना पता नहीं शेड में थोड़ा सा फ़र्क हुआ है या गलत लिखने में, थोड़ा सा शेड नंबर लिखने में गलती हुई है, क्या हुआ है समझ में नहीं आया। बट ना पेंट हमने अलग किया था, मैजेंटा कलर लिया था और मैजेंटा कलर में ग्रीन कलर आया है, मतलब मैजेंटा कलर के बदले ग्रीन कलर हमें मिला है। बट हमने ना वो चेंज नहीं किया, मतलब वो उन्हें वापस नहीं किया, और हमें थोड़ा सा वो था कि जाने दो ये भी अच्छा लगेगा, बट आप बाद में देख लेना वो भी अच्छा लगेगा, वैसा कुछ नहीं है। बट हमारे जो पर्दे थे, कर्टन्स थे, तो वो मैजेंटा कलर के थे और मुझे मैजेंटा कलर ही चाहिए था उस वॉल पे। तो क्या कर सकते हैं यार, मतलब वो सब लोग बोल रहे थे, वो पेंटर वाले पेंटर भैया भी बोल रहे थे कि आप एक काम करो मैम, आप उन्हें वापस कर दो ये। बट मैंने बोला नहीं, लगा दो, अब जो आया है वही लगा दो, हमारे नसीब में यही कलर होगा, हो सकता है ये कलर अच्छा लगे, तो इसी वजह से फिर हम लोगों ने वो कलर लगा दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो, अंदर से दिखा रही हूँ मैं आपको, अंदर से मैंने दिखाया ही नहीं था आपको। इसमें पार्टीशन होगा, बीच में पार्टीशन करेंगे, उसके बाद उसमें थोड़ा सा नीचे वो डस्टबिन वगैरह रख सकते हैं हम लोग, ऊपर भी कुछ रख सकते हैं, थोड़ा सा सामान रख सकते हैं वहाँ पर, तो वो होगा। और यहाँ पर ऊपर आई थी तो थोड़ा सा माही ना ऊपर का कुछ कर लेती है, जब तक मैं नीचे उनको बताती हूँ ना तब तक वो माही थोड़ा सा कुछ ये कर लेती है, थोड़ा सा बेड वेड ठीक कर लेती है, बहुत सारे काम करने में हेल्प कर रही है माही आजकल मुझे, क्योंकि उसके ऑनलाइन क्लासेस ना 2-3 दिन अभी बंद है, तो इसी वजह से वो थोड़े से उस टाइम में मुझे काम करने में हेल्प कर देती है। तो यहाँ पर उसने थोड़ा सा बेड ठीक किया था, ये जो मैट्रेस है वो मैट्रेस एक के ऊपर एक तीन मैट्रेस रखे थे उसने, और उसके ऊपर ये कंबल रख दिया था, ब्लैंकेट रख दिया था, और ब्लैंकेट के ऊपर उसने पिलोज मतलब सजा दिए थे, तो वो उसने किया था वो। और झाड़ू मार रही है, बस उतना हेल्प कर रही है वो मुझे, तो उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। और यहाँ पर वो पल्ले काट रहता है, तो 2 बल्ले का ये बनने वाला है ना, तो इतना सुंदर लग रहा है यार बनने के बाद, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली जो जो मैंने डिज़ाइन दी है ना, वो मुझे फाइनल होने के बाद बहुत अच्छी लग रही है। आपको कैसे लग रही है ज़रूर बताना कमेंट करके। और ये भी भैया आ गए थे अभी, पेंटर भैया, तो ये भी बाद में अभी कलर वगैरह करेंगे, तो तब तक ना वो बर्तन क्लीन करने वाली आ गई थी, तो मतलब आने वाली थी, तो उन्होंने कॉल किया था, तो मैंने सोचा चलो बर्तन भी निकाल के रख देती हूँ। तो ये सारे बर्तन मैंने निकाल के रखे हैं उनके लिए, अभी वो क्लीन करने आएंगी और ये सारे बर्तन क्लीन करके देगी मुझे। और यहाँ पर पल्ले पे माइका भी चढ़ा दिया है, और सारे वो जो क्या बोलते हैं हैंडल वगैरह भी उन्होंने लगा दिए हैं, तो आप देख सकते हो अभी माइका लगाने के बाद का लुक बहुत सुंदर लग रहा है ये डोर। और इसको ना ये जो फ्रेम है इसे अभी पॉलिश होगा तो उसके बाद बहुत सुंदर लगेगा, और ये जो कलर है उस पर थोड़ा सा गोल्डन पॉलिश वगैरह होगा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप फाइनल लुक तो बाद में देख ही लोगे, जब फाइनल घर बन जाएगा ना उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे होने वाला है, बट बीच बीच में आपको दिखाती रहूँगी, तो आपको फाइनल लुक देखने में थोड़ा सा वो रहेगा कि नहीं हाँ ये है, ये हुआ है, ये हुआ है। तो ये देखिए आप, ये वाले जो हैंडल है इस तरह से ये मेटालिक फिनिश में लिए हैं, और उसके बाद वो जो लॉक है वो होगा। और भैया बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे पेंट लगाना है, तो मतलब मैं उनको बता रही हूँ, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये कहाँ पे कौन सा पेंट लगाना है, तो मैंने उनको वैसे वैसे बताया जैसे जैसे मुझे चाहिए था। बट जब पेंट के डिब्बे खोले ना, तब मुझे पता चला कि यार पेंट ही गलत आ गया है, तो बाद में मैंने थोड़ा सा चेंजेस किए उसमें। और आप बाद में देख लेना कि कैसे पेंट मिला है। तो एक्चुअली थोड़ा सा वो मैं थोड़ी सी उस टाइम डिस्टर्ब हो गई थी, बट क्या कर सकते हैं यार, अभी उन्होंने बोला भी था मुझे चेंज कर दो, बट नहीं, मैंने चेंज नहीं किया। उसके बाद फाइनल लुक उसका भी देख लेना आप कैसे होगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो उसके ऊपर हम लोग दूसरा पेंट लगा देंगे, बट पता नहीं अभी। मुझे तो लग रहा है कि वो भी अच्छा लगने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर 2 कोट आने वाला है ग्रीन के ऊपर, तो वो भी अच्छा ही लगेगा, बट अभी फ़िलहाल सिंगल कोट है ना, तो इसी वजह से इतना अच्छा नहीं लग रहा है। और ये भैया ना टेक्स्चर वगैरह बहुत अच्छा बनाते हैं, तो अगर कोई अमरावती से है और पेंटिंग करना चाहता है, मतलब अपने घर में पेंट करना चाहता है, कलरिंग वगैरह करना चाहता है, तो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपके लिए, अगर आप बोलोगे तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो बहुत अच्छा, मतलब जैसे टेक्सचर मैंने बताया है ना वैसे वैसे टेक्सचर उन्होंने निकाला है, और बहुत अच्छा फिनिशिंग है उनकी, बहुत अच्छी फिनिशिंग है उनकी, और बहुत ही अच्छे से वो करके देते हैं, जैसे जैसे वो हम लोग बताते हैं ना वैसे वैसे वो करके देंगे भी आपको। तो अगर अमरावती से कोई देख रहा है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दूँगी, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है तो टाइटल पर क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर उसके बाद दूसरा कोट लगने के बाद इसका और एक कलर लगेगा, तो उसके बाद आपको फाइनल लुक देखने के लिए मिल ही जाएगा दूसरे वीडियो में। तो गाइज अभी अभी वो चले गए हैं लोग, मतलब जो काम करने वाले हैं वो अभी भी चले गए हैं और मैंने थोड़ा सा मुँह पे पानी मारा है क्योंकि ना इतना ज़्यादा थक जाती हूँ दिन भर में, मतलब ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर इतना ज़्यादा थक जाती हूँ, पूरे रात तक तो पैर दर्द करने लगते हैं मेरे। जब से ऊपर शिफ्ट हुआ है ना तब से तो मेरे डेली पैर दर्द करने लगे हैं। क्या कर सकते हैं यार, जब तक ये काम ख़त्म नहीं होता ना तब तक ये सहना ही पड़ेगा सब कुछ। और सुबह तो आपके साथ बात करने का भी टाइम नहीं मिला, ऐसे ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ जो कुछ काम हो रहा है। और आप लोग बोल रहे हो कि दिखा दिया करो डेली, तो मैंने सोचा आपको अच्छा लगता है देखना तो दिखा ही देते हैं। तो अभी मैं डेली ब्लॉग शूट कर लिया करूँगी, छोटा सा क्यों ना हो थोड़ा सा आपको दिखा दिया करूँगी, यही मैंने सोचा है अभी। चलिए फिर इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। आजकल थोड़े से छोटे से ब्लॉग बन रहे हैं, मतलब 10-10 मिनट के 12-12 मिनट के ब्लॉग बन रहे हैं। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे, अगर पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ दो और चैनल है मेरे, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।